कैब ड्राइवर। एक बार अरुण लता नाम के पति पत्नी रोड पर कैब का इंतजार कर रहे थे। इतने में उनके सामने एक कैब आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर नीचे उतरकर, सर नमस्ते, आई एम ड्राइवर रामजी फ्रॉम ऑलवेज लेट कैब्स, मतलब ALV कैब्स। थैंक यू, चलिए चलिए। एक मिनट, एक कैब में बैठने के पहले आपको कुछ रूल्स जानने होंगे। आपको पीछे की सीट पर ही बैठना होगा। मैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठूंगा। अहमदाबाद पहुंचने की तक एक ही बार कार रोकूंगा। वहीं पर आपको टॉयलेट, खाना पीना सब निपटाना होगा। अच्छा ठीक है, देर हो रहा है, हमारी फ्लाइट मिस जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। रुकिए रुकिए, आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब दिखाइए, नोट कर लेता हूँ। वो सब आपको क्यों चाहिए? अच्छा सवाल किया। अगर रास्ते पे कहीं एक्सीडेंट हो गया और ऊपर चले गए तो बचाने के लिए जो आए उन्हें आपके पहचान का पता कैसे चलेगा? फिर वे सारी जानकारी उसे दिए। अरे आप दोनों का नाम अरुण लता है, मतलब ALV, मतलब हमारे कंपनी का नाम ही। वेरी गुड, चलो याद है ना, पीछे की सीट पर ही बैठ सकते हूँ। कहा, फिर इस तरह वे सब निकले और गाड़ी बहुत धीरे से जा रही थी। जरा तेज चलाइए ना, अगर हमारी फ्लाइट मिस जाएगी तो परेशान होगी। तेज चलाने से खतरा होता है सर, अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जान चली गई तो दोबारा मिलेगी क्या? कहकर धीरे से आगे जाते जाते एक जगह पर कार टायर पंचर हो गया। ओ शिट, लगता है कार पंचर हो गई। फिर जल्दी से उतर कर स्टेपनी बदल दीजिए भाई, हमें देर हो रही है। कहा, माफ कीजिए मैडम, मेरा काम सिर्फ ड्राइव करना है, ब्रेकडाउन डिपार्टमेंट अलग है, उन्हें फोन करके बताता हूँ, रुकिए। कहकर फोन लगाकर कार ब्रेकडाउन के बारे में बताया। फिर जाकर एक जगह पर नींद लेने लगा। काफी देर तक किसी के ना आने से घबराकर अरुण, अरे ओ भैया अब तक क्यों कोई नहीं आया, कब आएंगे? फोन लगाकर सिर्फ बताना मेरा कर्तव्य है, मुझे कैसे पता चलेगा वो कब आएंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज वेट। कहकर फिर अपने नींद में चला गया। कुछ देर बाद ब्रेकडाउन वाले आकर टायर स्टेपनी बदल कर चले गए। फिर से कार धीरे से चलने लगी। इसकी वजह से लता, एह चाहिए तो ज्यादा पैसे दे दूंगी, लेकिन कैब तेज चलाओ। मैम पैसों के लिए बिकने वाले में से नहीं हूँ मैडम, आई एम सॉरी। कहा, फिर वो दारू की बोतल निकाल कर दारू पीने लगा। ए क्या दारू पी रहे हो? तब से रूल्स कहकर पुकार रहे थे, पीकर गाड़ी चलाना मना है, ये नहीं पता पी वर्ड का इनका? सॉरी सर, मैं दारू पीकर नहीं चला रहा हूँ, बल्कि पीते हुए चला रहा हूँ। और यू पी वर्ड कहकर नीचे मत गिराओ, हमें टैक्स पेयर्स कहते हैं, हमारी टैक्स बनने से गवर्नमेंट ए ब्रिज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना पाती है, समझिए सर। कहा, आखिरकार टैक्सी एयरपोर्ट पहुंच गई। हे भगवान, किसी तरह तो पहुंच गई, लेकिन बहुत देर हो गया है। भागते हुए अंदर जाकर पहुंचेंगे तो शायद हमारे लिए फ्लाइट रोकने की संभावना है। भाई कितना चार्ज हुआ जल्दी बताओ। कहा, 450 रुपये सर जी। ये लो 500 रुपये। लता चलो चलो। रुकिए, इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास 500 का चुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भैया, तुम ही रख लो टिप समझकर। कहकर जाने ही वाला था कि रामजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर कहा ना, मैं पैसों से बिकने वाले आदमी नहीं हूँ, मुझे 450 से एक रुपया ऊपर नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर 450 रुपये। कहा, अबे ओ देर हो रही है, कहते जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या, हाथ छोड़ो उनका। कहा, वे इस तरह बहस करने में ही फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ हो गई। वो देखकर अरुण लता गुस्से में उसे बहुत पीटे। पेइंग गेस्ट, ये रंगून बस स्टैंड है। चमनलाल नाम का एक कंजूस आदमी वहां इंतजार कर रहा था। इतने में एक वहां बस आई। रघु नाम का एक व्यक्ति सूटकेस लेकर नीचे उतरा और इधर उधर देख रहा था। रघु चमनलाल के पास जाकर, सर मैं इस गांव में नया आया हूँ,
यहाँ कहीं पीजी में कमरा मिलेगा? अरे क्या संयोग की बात है, मैं भी अपने घर के लिए पेइंग गेस्ट ढूंढ रहा हूँ। अरे फिर तो अच्छी बात है, चलिए आपके घर चलते हैं। कहते हुए दोनों वहां से चल पड़े। घर के पास चमनलाल की पत्नी सरयू बाहर इंतजार कर रही थी। सरयू, इनका नाम रघु है, हमारे घर पेइंग गेस्ट बन के आए हैं। आओ भाई, आके अपना कमरा देख लो, अगर पसंद आए तो हम बाकी चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ देर बाद रघु, आपका घर तो बहुत अच्छा है, कमरा तो मुझे बहुत पसंद आया। एक महीने के हिसाब से किराया कितना होगा? ऐसा है, दिन में 3 बार खाना मिलेगा, कुल मिलाकर 10,000 रुपए लगेंगे। एडवांस में 30,000 देना होगा और कम से कम 1 साल तक रहना होगा, बीच में छोड़ नहीं सकते, ठीक है? हाँ, ये लीजिए आपका एडवांस। कहकर उन्हें पैसे दे दिए। अगले दिन सुबह रघु सरयू से, गुड मॉर्निंग आंटी, आज नाश्ते में क्या बनाया है? इडली और नारियल की चटनी बनाई है बेटा। रघु खुश होकर, अरे वाह, इडली परोसिए परोसिए। कहते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ गया। रघु जैसे ही खाना खाना शुरू किया, चमन लाल वहाँ आकर, क्या इडली खा रहे हो? गए तुम काम से, गए तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। अरे रे 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 रे। हे भगवान, क्यों, क्या हुआ? 2 दिन पहले चाइना में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिससे पता चला कि सुबह सुबह इडली खाने से इडली का कलमिया का सिंड्रोम नाम का रोग होता है। क्या, इडली का कलमिया का सिंड्रोम? वो कौन सी बीमारी है बताओ? खैर जाने दो, मुझे ये इडली नहीं चाहिए, बाहर लस्सी पी लूंगा। कहते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन रघु खाने के लिए आकर, आज क्या स्पेशल बनाया है आंटी? मैंगो अचार की खिचड़ी और दाल। वाह, अचार की खिचड़ी, मैं तैयार हूँ, गर्मा गर्म परोसिए। रघु जैसे ही खिचड़ी खाने लगा, चमनलाल आकर, अरे ये क्या खिचड़ी खा रहे हो? गए तुम गए, गए तुम, अब तुम्हारा काम खत्म। अब क्या हुआ? तुमने अखबार नहीं पढ़ी? पढ़ा, पर उसमें तो कहीं खिचड़ी के बारे में नहीं लिखा था। अरे मैं तो पिछले साल दिसंबर 11 के अखबार के बारे में बोल रहा हूँ। पिछले साल दिसंबर 11 का अखबार भला मुझे कैसे याद रहेगा? वो तो है, पर मैं सब याद रखता हूँ। नासा वाले हमारी खिचड़ी को अंतरिक्ष में स्पेस फूड की तरह इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए, तब पता चला कि इसमें हकून मटाटा गायलोकीमिया नाम की बीमारी होती है। हकून मटाटा की गायलोकीमिया? क्या है भाई, अजीब अजीब बीमारियों का नाम कब से मुझे बोल रहे हो और डरा रहे हो? अरे हकू मतलब नाक, नामा मतलब खराब होना, मटाटा मतलब मर जाना। इसमें इतना सारा अर्थ है क्या? खिचड़ी भी नहीं और उसके साथ आने वाली बीमारी भी नहीं चाहिए। कहकर वहाँ से चला गया। एक दिन रघु को बहुत भूख लगने लगी, वो कुर्सी पर बैठकर पानी पी रहा था। इतने में चमनलाल फिर आ गया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, कुर्सी पर बैठकर पानी पी रहे हो? खत्म, तुम्हारी जिंदगी तो खत्म। अब कुर्सी में बैठने से क्या होगा? परसों नॉर्थ कोरिया में जब मिसाइल टेस्ट कर रहे थे, तब लकड़ी के बारे में जांच किए, तो पता चला कि लकड़ी को जीवन ना होने के कारण उस पर जो को भी बैठता है उनके प्राण चले जाते हैं, इसलिए तब से नॉर्थ कोरिया वाले अपने सारे काम खड़े होकर ही करते हैं। हे भगवान, क्या है ये सब, कुर्सी में बैठ नहीं सकता, खाना नहीं खा सकता, फिर क्या कर सकता हूँ? खैर आंटी, मुझे 30,000 रुपए वापस दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। क्या मजाक कर रहे हो, हर दिन मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ, तुम खाना छोड़कर चले जाते हो और अब आकर पैसे वापस मांग रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम 1 साल तक छोड़ नहीं सकते। क्या, 1 साल? 1 साल तक इस घर में रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। फिर भी ठीक है, मेरे पैसे मिल जाए तब तक यहीं रहूंगा। यही सोचकर रघु वहीं रह गया। 1 साल बाद बेचारा रघु दुबला पतला सा हो गया। ट्रेन यात्रा।
ये गोरखपुर नाम का गांव है। गांव वाले गोरखपुर से शहर जाने के लिए कई रास्ते होने पर भी आराम से रेलगाड़ी से ही जाते थे। छोटे बड़े बूढ़े सब रेल से ही जाते थे। एक बार प्रफुल्ल नाम के एक व्यक्ति को व्यापार के लिए शहर जाने की जरूरत पड़ी। वो रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए रोड पर सामान के साथ टैक्सी का इंतजार कर रहा था। इतने में वहाँ एक ऑटो वाला आकर पूछा, सर ऑटो चाहिए क्या? क्या तुमको कैसे दिखता हूँ, ऑटो चढ़ने वाला दिखता हूँ क्या? निकल जाए यहाँ से। प्रे, इसे तो बहुत घमंड है, सोचकर वहाँ से निकल गया। इतने में वहाँ एक रिक्शा वाला आकर पूछा, बाबूजी कहाँ जाना है, रिक्शा चाहिए क्या? मुझे भला क्या जरूरत है तुम्हारी रिक्शा की, और मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या, जाओ जाओ और अपना काम करो। टैक्सी पुकारने के कारण वहाँ एक टैक्सी वाला आ गया और कहा, कहिए सर कहाँ जाना है? स्टेशन ले जाओ, जल्दी से ले चलो। स्टेशन पहुंचने के बाद प्रफुल्ल टैक्सी वाले से, कितना हुआ मीटर? ड्राइवर ने कहा, 450 रुपए सर। प्रफुल्ल ने उसे 500 रुपए दिए। ड्राइवर छुट्टा वापस दे ही रहा था। क्या मैं तुमसे टिप्स लूंगा, तुम्हें लगता है बढ़िया है मुझे पैसे वापस करने, कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में प्रफुल्ल ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन फिर वहां से निकल गई। एक आदमी वहां आकर पूछा, सर जी वो बाजू वाली सीट खाली है ना? हाँ, तुम कौन हो मेरे पास आकर बैठोगे, पता भी है मेरा रेंज क्या है, कहने लगा तो वो आदमी, ए कौन है, सीट पूछ रहा हूँ तो रेंज की बात कर रहे हैं, सोचकर वहां से चला गया। कुछ देर में वहां समोसे वाला आकर, समोसा समोसा गरम गरम समोसा, पुकारते हुए समोसा बेच रहा था। वो प्रफुल्ल के पास आकर पूछा, सर समोसा चाहिए? प्रफुल्ल गुस्से में, तुम्हारी इतनी हिम्मत की ये घटिया समोसे मुझे बेचोगे? बाबू आप बहुत बड़े शाहूकार होंगे, पर हमसे जितना हो पाता है वो काम करके जीते हैं, पसंद नहीं तो खाइए वरना नहीं आपकी मर्जी। मूर्ख, तुम्हारे जैसे लोगों से बहस करना भी बेकार है, कहकर उसे मुंह फेर लिया। इतने में टीटी आकर, टिकट्स दिखाइए, कहकर सबसे टिकट देखने लगा। फिर प्रफुल्ल के पास आकर टिकट मांगने लगा। प्रफुल्ल ने टिकट दिया। टीटी ने पूछा, नाम क्या है? उसी में लिखा है, पढ़ लीजिए। ठीक है, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। आईडी कार्ड, ये क्या होता है? बगैर आईडी कार्ड का यात्रा करना जुर्म है, तुम्हें नहीं पता? 200 रुपए का फाइन भरो। प्रफुल्ल, 200 रुपया आईडी कार्ड दिखाने नहीं पर फाइन लगेगा क्या, ये क्या है जी? टीटी, ये टिकट तुम्हारे है कैसे पता चलेगा? प्रफुल्ल तुम्हारे ही नाम है ना, इससे क्या सबूत है, इसलिए आईडी कार्ड पूछते हैं। खैर अब फाइन भरो 200 रुपए का। प्रफुल्ल ने 200 रुपए का जुर्माना भरा। इतने में वहाँ एक सूट बूट पहनकर एक आदमी प्रफुल्ल के पास फोन पर बात कर रहा था। हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, ये सब मैं नहीं जानता। 10 दिन में वो कंटेनर का सामान बिक जाना चाहिए, उसे गांव पहुँचाना चाहिए जल्द से जल्द, 10 लाख रुपए दूंगा। हाँ फिर फोन रख कर प्रफुल्ल से, हेलो सर मेरा नाम जेम्स है, जरा वह हटेंगे? ये कोई बढ़िया आदमी लग रहा है, हमें जैसों के पास बैठे तो बड़ी बात है, सोचकर वहां से हट गया। अरे वो सर देखकर तो लगता है बड़े कारोबार करते हैं, क्या व्यापार करते हैं सर आप? अरे अरे आप भी सर? जी हाँ मैं अपने गांव में बहुत बड़ा सोने की व्यापारी हूँ, 5 दुकान है मेरी। ओह बढ़िया है सर, लेकिन 5-6 दुकान मेरा भी है दुबई में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, रोज 5 लाख कमाता हूँ, कहकर एक बिस्किट पैकेट खोलने लगा। ये लीजिए दुबई का मशहूर बिस्किट है, ये सिर्फ राजा खाते हैं, कहकर उसे 2 बिस्किट दिए।
प्रफुल्ल उसे खाकर थोड़े समय में नींद में चला गया। थोड़ी देर बाद आंख खोलकर देखा तो पहना हुआ सोने का सारा जेवर चोरी हो गया था। तुरंत प्रफुल्ल ने टीटी को सब बताया। हाँ हाँ, अब भला हम कौन है सर? आप बड़े लोग हैं, चाहे तो उनको यूं ही पकड़ सकते हैं। प्रफुल्ल को तब समझ आया कि उसने कितने घमंड से टीटी से बात किया था। इस ट्रेन के यात्रा के बाद प्रफुल्ल का स्वभाव में बदलाव आ गया। एक दूसरे की मदद करने से कई लोग मित्र बन जाते हैं। मुसीबत के समय में वही हमारी मदद करते हैं।